हेलो, सो दिस इज़ राधा। और इसको हमने कुछ दिनों पहले ही रेस्क्यू किया है। ये स्पैरो है, ये वुमेन है और बहुत ज़्यादा मतलब नटखट है, बहुत प्यारी है। लेकिन जो चीज़ मैं बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ, दैट इज़ मैं इस रूम में काम कर रही थी और ये दूसरे रूम पे रखी हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली वो दूसरे रूम में ये छोड़ी ही रहती है, मतलब ये खुद की तरह घूमती है और उधर खाना भी रहता है, सब कुछ मतलब ये अपने मर्जी से करती है। खिड़की वगैरह भी थोड़ा सा करके खुला रहता है, लेकिन ये निकलते नहीं है। तो थिंग इज, ये अभी उतनी बड़ी भी नहीं हुई है, इसमें उतना साहस भी नहीं है, तो इसकी वजह से ये निकलती नहीं है। तो इसको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, पता नहीं, क्योंकि घर में बहुत चींटियाँ हैं तो मुझे पता नहीं वो चींटियाँ इसे काटती है कि नहीं। एक्चुअली वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसे रिलीज़ करेंगे तो इसको अपने आत्मरक्षा करनी भी आनी चाहिए होगी। तो व्हाट वाज आई सेइंग इज, मैं दूसरे रूम में काम कर रही थी, मतलब इस रूम में, और ये दूसरे रूम में थी। तो हुआ क्या, ये ना बहुत देर से आवाज़ कर रही है, बहुत देर से। खाना वगैरह तो सब रखा हुआ है और ये खुद ही खा लेती है, ऐसा नहीं है कि शी इज़ डिपेंडेंट ऑन मी, लेकिन बहुत सारा टाइम ना ये खाना नहीं खाती। मैंने देखा है बहुत सारा टाइम ये खाना नहीं खाती, खाना पड़ा हुआ रहता है। मतलब जैसे ही, देखो हाथ में फूक कर दिया उसने, जैसे ही मैं आती हूँ और मैं इसको हाथों से खाना खिलाती हूँ, वैसे ही ये खाना खाती है, अदरवाइज नहीं खाती। मतलब खाना पड़ा हुआ रहेगा, शी विल बिहेव एज इफ शी इज़ नॉट नोटिसिंग, ठीक है। मैंने बोला ना, बहुत बहुत ज़्यादा नटखट है, बहुत ज़्यादा नटखट, तो एकदम बाल गोपाल है। हालांकि इसका नाम राधा है, लेकिन ये पूरा गोपाल है। तो दिस इज़ द थिंग। और दोपहर को ना, जब इसका पेट भरा होता है, इसको सोना भी नहीं है, तो जैसे बच्चों का काम होता है ना कि वो थोड़ा खेलना चाहते हैं, इसको भी ना खेलना होता है। मतलब दोपहर में इसको थोड़ा देर खेलना होगा, मस्ती करनी होगी, इधर उधर जंप करना होगा, तो इसके लिए बहुत देर से ये आवाज़ करी है। मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो गए थे कि आवाज़ करे जारी करे, मैं इस रूम में काम कर रही हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं इसको ले आती हूँ, एक बार देख लेती हूँ, हो ही सकता है कुछ मुश्किल हो रही हो, क्योंकि मुझे तो इसका नेचर पता है। फिर मैंने जब भी मैं इसको ले आई, देखिए अभी तक इसने एक बार भी नहीं चहका है, ठीक है, एक बार भी नहीं चहका है इसने। तो इसको बस अटेंशन चाहिए होता है। शी इज़ अ वेरी 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 मतलब हाई लेवल ऑफ अटेंशन सीकर, ठीक है, हाई लेवल ऑफ अटेंशन सीकर। अच्छा, अब इसको शायद भूख लग रही है, ऐसा कर रही है, क्योंकि 2 बार इसने पूप कर दिया है मेरे हाथों पे, तो आई बिलीव इसको भी भूख लग रही है। तो आई जस्ट गो एंड ग्रैब सम फूड, मैं दिखाती हूँ ये कैसे खाती है हाथ से। या सो एज आई सेड, शी इज़ एन अटेंशन सीकर। अभी देखो ये खुद खा रही है ना, लेकिन थोड़ा सा खा के नहीं खाएगी, कभी कभी ऐसा करती है, एकदम ही नहीं खाती, लेकिन इसको भूख लगी हुई है, मुझे पता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, जब आप रेस्क्यू करके लाते हो, एक बच्चे की तरह पालते हो ना, आपको उनके नखरे भी झेलने होते हैं, वो बहुत नखरे करेंगे। जैसे आप एक बच्चे को पालते हो उस समय, जैसे आप उनके नखरे झेलते हो, ठीक वैसे ही आपको एक पेट को भी वैसे ही उनके नखरे झेलने होते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। जो लोग सो कॉल्ड एनिमल लवर्स हैं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, उन लोगों को तो इन सब चीज़ों का पता होगा नहीं, क्योंकि वो लोग तो खरीद के लाते हैं एकदम मजबूर करके एक प्राणी को, के हम रख रहे हैं तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा, हम जो दे रहे हैं खाना खाना ही पड़ेगा। ये बेसिकली अपने मन मर्जी से चलती है, इसको अगर नहीं खाना होगा सत्तू, शी विल नॉट ईट, फिर उसको चावल देना पड़ेगा। इसका अलग से खाना हमने बना के रखा है, जिसमें चावल है और दाल है, थोड़ा सा चिवड़ा है, ओट्स है, वो मिक्स करके रखा हुआ है पाउडर करके, उसको थोड़ा उबाल के हम देते हैं, लाइक ओट्स जैसे होता है ना, उसके ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं तो थोड़ी देर रख देते हैं, 5-10 मिनट तो फूल जाता है, वैसे एक खाना है, वो खाना खाएगा कभी कभी, ये खाएगी। तो पेट भरे छे माँ, पेट भरे छे, ओली बबली ओली बबली। बस यही बोलना था कि ये लोग भी इंसानों जैसे अटेंशन सीकर होते हैं, और उन्हें इन्हें अटेंशन चाहिए, क्योंकि इनका भी मूड ऑफ होता है। तो प्लीज़ रिमाइंड दैट वेन एवर यू आर रेस्क्यूइंग सम बर्ड और सम एनिमल, क्योंकि खरीद के लाने वाले की तो मजबूरी अलग होती है, इनको जैसे हम अपने मर्जी से रख रहे हैं,
जब इनकी मर्जी होगी ये चले भी जाएंगे। एक्चुअली ऐसा हो चुका है मेरे साथ। अगर आपको पहाड़ी चौंदोना के बारे में पता हो, अगर अपने नाम सुना, पहाड़ी पैरट्स होते हैं वो बेसिकली, तो वो मेरे पास एक थी, बहुत सालों तक थी, लेकिन उसको हम लोग छोड़ नहीं पा रहे थे ये सोच के कि क्या होगा क्या होगा। फिर एक दिन उसको छत पे लेके उठे, वो खुद ही उड़ गई। दिस इज़ हाउ इट इज़ कि आप जस्ट बिकॉज वो बाहर जाके कैसे जिएगा, इसके लिए आप किसी को सारी ज़िंदगी कैद करके नहीं रख सकते, भले ही वो जानवर हो या इंसान हो। बाहर जाके अगर वो इंसान मर भी जाता है, फिर भी उसे बाहर जाना होगा। आई होप यू आर गेटिंग what message I am trying to convey। Anyway, राधा इज़ हैविंग हर पोस्ट लंच, क्योंकि इन लोगों का ऐसा है कि ये लोग खाते ही रहते हैं 15-20 मिनट में, हर 15-20 मिनट में ये लोग खाते रहते हैं। तो आई थिंक शी इज़ वेरी हंग्री। लास्ट 2-3 मिनट से ये खा ही जा रही है, कहते आई थिंक 2-3 मिनट से ज़्यादा हो गया ये खा ही जा रही है। अभी हाथों पे पूप करेगी, फिर जाके थोड़ा सा रेस्ट करेगी, मतलब यही इसका है। मैं सोची उसको इसी रूम में इधर उधर मतलब करे वो ही बेटर होगा, ये अलग अलग रहती है तो इसको बड़ा मूड ऑफ हो जाता है इसका। है ना राधा, है ना बेबी, है ना बेबी, हाँ पता है, कुछ मैं लाला था बेबी। हाथों से खाएगा तो पेट भर गया है ना, अभी मम्मा के हाथों से भी क्या, तो पेट ही भर गया। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन कभी कभी कम कंज्यूम करता है, तो ये डिपेंड करता है उसके खुद के मर्जी पे, हेल्थ पे। तो हम उसको जितना पॉसिबल होता है उतना फ्रीडम दे रहे हैं, तो क्योंकि इसको हम रिलीज करने वाले हैं, तो कौवे चील तब नोचने आएंगे, तो इसको वैसे ही मतलब लड़ना होगा। इफ़ यू हैव एवर नोटिस्ड प्रॉपरली खुले आसमान में, तो कभी कभी ये लोग कौओं को चेस करते हैं, क्योंकि कौवे इनके बच्चे खाने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग चेस करते हैं, है ना। तो इतना तो इसको करना होगा बाहर जाकर, स्पेशली शी इज़ अ गर्ल, तो इतना तो इसको अपने बच्चों के लिए करना ही होगा। मेरी राधा माँ बन जाएगी यार। पहले हम इसकी शादी तो करवा दे, पहले मेरी राधा खुद तो बड़ी हो जाए, फिर ना शादी, फिर ना बच्चे, फिर पता नहीं ये कहाँ होगी, हम इसे देख भी नहीं पाएंगे कि ये कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। अरे सब तू मत उड़ा बेटा। अच्छा अभी और खाना है, ठीक है, चलो बाय बाय बोल दो सबको, सबको बाय बाय बोल दो, ठीक है, बाय 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 बाय।